नमस्कार, नई परख पर आपका स्वागत है। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आज हम भारतीय जनता पार्टी की मजबूती और विपक्ष की राजनीति की विडंबनाओं की चर्चा करेंगे। हमारे देश में जो विपक्ष की राजनीति है और कई लोग जो विपक्ष की राजनीति का समर्थन करते हैं या करना चाहते हैं, वे अक्सर हर चुनाव के पहले एक ऐसे विश्वास के साथ भरकर सामने आते हैं मानो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी हार होने वाली है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 8 सालों में चुनाव में कभी हार नहीं हुई, उसे कई बड़ी हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर से वापसी करती है और ऐसा प्रतीत होता है मानो विपक्ष के जो मंसूबे हैं वो पूरी तरीके से बिखर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में या पिछले साल जो चुनाव हुए उनमें कई बड़ी जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश में उसे बड़ी जीत मिली, जहां टीकाकार यह कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कड़े मुकाबले में है और कुछ लोग तो यह मानकर चल रहे थे कि समाजवादी पार्टी को बहुमत मिलेगा। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के चुनाव में हार तो उसे मिली, लेकिन उसके बाद गुजरात के चुनाव में उसे बहुत भारी जीत मिली और उसके बाद अभी हाल में जो उत्तर पूर्व में चुनाव हुए हैं वहां भी उसे जीत मिली है। जो विपक्षी दल हैं वे बिखराव का शिकार हैं। कोई दल एक राज्य में चुनावी जीत हासिल करता है, लेकिन बाद में जब विपक्षी एकता की बात आती है राष्ट्रीय स्तर पर तो बात बिखर जाती है। क्या भारत में विपक्षी दल आपस में एक होकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं, या क्या उनका एक होना ही भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए पर्याप्त है? क्या विपक्षी दलों के पास कोई ऐसा नैरेटिव है जिससे वे भारतीय जनता पार्टी के सामने एक वैकल्पिक एजेंडा प्रस्तुत कर सकते हैं, या हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पर वर्तमान में जो सत्तारूढ़ पार्टी है वह पूरी तरीके से अपराजय हो गई है और उसे हराने का स्वप्न देखना शायद विपक्षी दलों के लिए मुनासिब नहीं रहा है। और एक तरीके से जो कई बार ये कहा जाता है कि 2024 के चुनावों का एक तरह से फैसला हो चुका है, वह मान लेना ही सही होगा। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज अभय सर हमारे साथ हैं हर बार की तरह ही, और मैं बातचीत की शुरुआत अभय सर इसी प्रश्न से करूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति में अपनी विपक्षी दलों से 2 कदम आगे रहती है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कई बार वो हार का सामना करती है लेकिन फिर वो वापसी करती है और ऐसा लगता है कि वो नैरेटिव गढ़ रही है और बाकी सारे दल उसका अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या यह मान लेना सही होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक अपराजेय पार्टी है और उसे हराया नहीं जा सकता? देखिए, लोकतंत्र में ऐसी तो कोई पार्टी होती नहीं है इसको हराया ना जा सके, ऐसा कोई नेता भी नहीं होता है इसको हराया ना जा सके। कुछ पार्टियों को हराना मुश्किल होता है, कुछ नेताओं को हराना मुश्किल होता है। इंदिरा गांधी बहुत बड़ी नेता थी, लेकिन न केवल उनकी पार्टी चुनाव में हार गई थी बल्कि वो खुद भी अपने चुनाव में हार गई थी। नरेंद्र मोदी भी बहुत बड़े नेता हैं। आज जरूर लगता है कि नरेंद्र मोदी को हराया नहीं जा सकता, ना निजी तौर पर और ना लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को हराया सकता है, ऐसी भावना लगती है। और इस तरह की भावना के पक्ष में बहुत सारे तर्क भी दिए जा सकते हैं, इसमें से कुछ तर्क बहुत वाजिब भी हैं। मैं यहाँ पर दूसरी बात कह रहा हूँ। लोग पार्टी को देखते हैं, लोग नेता को देखते हैं, पार्टी का वर्चस्व देखते हैं, नेता का रंग रुतबा देखते हैं, नेता की शख्सियत की तारीफ करते हैं, पार्टी की जो रणनीतियां हैं उन रणनीतियों का विश्लेषण करते हैं, और ये सब ठीक ही करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इन सबसे बड़ी एक चीज है पार्टी का संगठन। जैसा कि अभी आपने अपनी भूमिका में कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है लेकिन फिर वो उभरती है, तो वो किस तरह उभर पाती है, आखिरकार क्या है उसके पास? ऐसा कोई खास तरह का जादुई पेय तो नहीं है इसको पी के वो दोबारा खड़ी हो जाती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है उसका संगठन, और ये संगठन नरेंद्र मोदी के केंद्रीय राजनीति में उभरने से पहले कुछ और था और उनके उभरने के बाद कुछ और है। नरेंद्र मोदी ने इस पूरे संगठन का एक अपने राजनीतिक इरादों के लिहाज से और अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिहाज से पूरा नवीकरण किया है। नरेंद्र मोदी ने इस संगठन का बहुत विस्तार किया है और ऐसे इलाकों में भी विस्तार किया है जहां पर कोई कल्पना भी नहीं करता था कि भारतीय जनता पार्टी जाएगी। और तो और, नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन की उस शर्त का भी उल्लंघन कर दिया है जो नरेंद्र मोदी तक ये बताती थी कि भाजपा दरअसल सांगठनिक तौर पर किन लोगों के बूते चलेगी। ये माना जाता था कि केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उधार लिया गया प्रचारक ही
भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री हो पाएगा। और ये भी माना जाता था कि सत्ता के ऊंचे पदों पर केवल वही लोग बैठेंगे जो कभी न कभी संघ की कतारों में रहे होंगे। आज हम क्या देखते हैं, आज हम देखते हैं कि कुछ प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने न केवल गैर कांग्रेस गैर भाजपा पार्टियों से उनका आधार छीन लिया है, बल्कि गैर भाजपा पार्टियों से उनके नेता भी छीन लिए और उन नेताओं को अपने दल में बहुत बड़े पदों पर रखा है, उनको मुख्यमंत्री तक बनाया गया है, केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया है और संगठन में भी बहुत बड़े बड़े स्थान उनको दिए गए हैं। यहाँ तक कि हेमंत विश्व शर्मा जो कि कांग्रेस के नेता रहे हैं, लगभग जीवन में जीवन का ज्यादातर हिस्सा उन्होंने कांग्रेस पार्टी में गुजारा और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो उन्होंने हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचारों के इल्जाम की एक चार्जशीट भी पेश की थी। वही हेमंत विश्व शर्मा न केवल असम के मुख्यमंत्री बल्कि वो पूरे उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख हस्ती है। वो जो चाहते हैं भाजपा उसी रणनीति पर चलती है, उत्तर पूर्व के सातों प्रांतों में भाजपा के सबसे बड़े सांगठनिक और राजनीतिक नियामक अगर कोई है तो हेमंत विश्व शर्मा है। इस तरह के लोग भाजपा में बहुत बहुत है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और इस बात को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कुछ चिंता हो सकती है, लेकिन अभी तक ये जो प्रयोग है नरेंद्र मोदी का वो पूरी तरीके से सफल हुआ है। उन्होंने ये दिखाया है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद हर नेता मानता है कि उसका पूरा उपयोग किया जा रहा है, उसकी प्रतिभा का पूरा उपयोग किया जा रहा है और उससे वो काम लिए जा रहे हैं जो काम वो करना चाहता है, तो ये सब जो हो रहा है मुझे लगता है कि भाजपा की और नरेंद्र मोदी की ताकत का सबसे बड़ा स्रोत उनका संगठन है, जिस संगठन को उन्होंने अपनी मर्जी से अपने लक्ष्यों के मुताबिक बनाया है और बढ़ाया है। हम लोग जिन जिन जगहों पर भाजपा की और नरेंद्र मोदी की शक्ति देखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन जगहों पर नहीं देखनी चाहिए, वहां से भी वो शक्ति आती है, लेकिन जो प्रमुख स्थान है प्रमुख स्रोत है उनकी शक्ति का वो है भारतीय जनता पार्टी का संगठन। इसी चूंकि नरेंद्र मोदी ने इतने लचीले ढंग से इस पूरे संगठन को बनाया है, इसलिए हुआ ये है कि समाज के विभिन्न तबके विभिन्न समुदाय जो कभी भाजपा के बारे में जाने के बारे में सोचते भी नहीं थे, धीरे धीरे कर भाजपा के साथ होते जा रहे हैं। ऐसा भी है कुछ समुदाय भाजपा के साथ जाते हैं फिर छिटक जाते हैं, उनका हिस्सा छिटक जाता है, लेकिन भाजपा लगातार अपनी कोशिश जारी रखती है। तो वो अपनी पार्टी को सामाजिक समुदायों के एक गठजोड़ के रूप में विकसित कर रही है, जैसा किसी जमाने में कांग्रेस जो अपने शीर्ष पर थी, जिसको रजनी कुठारी कांग्रेस सिस्टम कहते थे, कांग्रेस प्रणाली कहते थे, तब कांग्रेस करती थी, कांग्रेस के तरीके दूसरे थे, भारतीय जनता पार्टी का तरीका दूसरा है। ये जो अब देखिए संचार के लोगों तक पहुंचने के जितने भी साधन है का जितना चतुराई पूर्ण इस्तेमाल नरेंद्र मोदी लगातार करते हैं उतना और कोई नेता आज भी नहीं कर पाता। वो रेडियो तक का भी इस्तेमाल बहुत जबरदस्त रूप करते हैं, मन की बात के पता नहीं कितने मेरे ख्याल से सैकड़ों संस्करण मन की बात के अभी तक हो चुके हैं। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं अगर नरेंद्र मोदी के शासनकाल के ऊपर कोई गंभीर विचार करना है तो एक अनुसंधान करना पड़ेगा कि कैसे वो अपने से पहले की गैर भाजपा पार्टियों से अलग हैं, न केवल वो अपने से पहले की भारतीय जनता पार्टी से भी अलग हैं। यही है वो ताकत जो चुनाव में हारने के बाद उनको बहुत जल्दी ही बिना किसी खास दिक्कत के दोबारा खड़ा होने का मौका देती। बिल्कुल, और इसमें ये भी है कि वो एक ऐसे मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं जो कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बहुत आराम से बदल देते हैं। और कई बार पहले माना जाता था कि एक दल से दूसरे दल में अगर कोई नेता जाता है तो बहुत जल्दी उसे कोई बड़ा पद नहीं दिया जाएगा, पर हेमंत विश्व शर्मा उसको उदाहरण है कि उसी दिन मुख्यमंत्री बने और उत्तर पूर्व में वो काफी राजनीतिक कमाल कर रहे हैं। लेकिन इसके हेमंत विश्व शर्मा सीधे मुख्यमंत्री नहीं बने जी, जो हेमंत विश्व शर्मा के भाजपा में जाने के बाद में जो पहले 5 वर्ष थे उसमें भाजपा असम के मुख्यमंत्री दूसरे थे, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा के बारे में स्पष्ट रूप से माना जाता था कि वो मुख्यमंत्री जरूर नहीं है असम के, लेकिन पूरे उत्तर पूर्व में भाजपा की राजनीति हेमंत विश्व शर्मा के ही इर्द गिर्द घूम रही थी, इसलिए ये बहुत ही स्वाभाविक ही सा लगा जब वो असम के मुख्यमंत्री भी बना दिए गए। तो केवल हेमंत विश्व शर्मा का ही मामला नहीं है, और भी कई नेता हैं। आमतौर पर भाजपा के ऊपर एक इल्जाम लगाया जाता है कि वो जिन लोगों को भ्रष्ट कहती है बाद में फिर उन लोगों को ही अपने संगठन में ले लेती है और ऐसा लगता है कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्टाचार के दाग धब्बे सब धुल जाते हैं, तो ये आरोप सही है।
आरोप अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन समझने की बात यह है कि भाजपा जब ऐसा करती है और उस पर आरोप भी लगते हैं तब भी जनता उन आरोपों की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं देती। यहां तक कि जनता जो है वो भाजपा द्वारा पहले जिन लोगों को भाजपा भ्रष्ट कहती रही है और जब अपने आगोश में ले लेती है तो जनता भी उस चीज को अपनी तरफ से उसकी उसको मान्यता देती हुई चलती है। इसका सीधा मतलब है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की साख आम लोगों के बीच में बहुत अच्छी है। नहीं, इसका इसके साथ ही ये जोड़ना भी सही रहेगा कि हेमंत बिस्व शर्मा तो 5 साल बाद मुख्यमंत्री बने, लेकिन कई ऐसे राज्य भी हैं जहां पर जो जिन लोगों को बाहर से ले आए वहां वो प्रयोग सफल नहीं रहा, मसलन पश्चिम बंगाल में, और जिसको आप हमेशा एक प्रो इनकम्बेंसी की सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि कैसे कुछ राज्य जो हैं वो उसका मुकाबला कर पाते हैं। तो इस प्रश्न पर मैं आऊंगा, लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी पूछना चाह रहा हूं कि जो विपक्षी दल हैं वो आपस में जुड़ नहीं पा रहे हैं। अभी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ में जो 9 राजनीतिक दलों ने के नेताओं ने एक पत्र लिखा, उसमें कांग्रेस के शामिल नहीं हुई, कांग्रेस के नेताओं ने हस्ताक्षर नहीं किए। तो ये एक तरीके का ऐसा बिखराव दिखता है विपक्षी दलों में जहां वो कुछ बुनियादी मसलों पर भी एकजुट नहीं हो पाते। और शायद कांग्रेस का कहना अपनी जगह सही हो सकता है, क्योंकि जब कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया था ईडी के द्वारा तब आम आदमी पार्टी ने इस तरह की कोई पहल नहीं की थी। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये कि इस तरह से क्या विपक्षी एकता हो सकती है, और क्या इस तरह की विपक्षी एकता ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ऐसा मॉडल बन सकता है जिससे भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके, या फिर एक ऐसे नैरेटिव की जरूरत है जैसा नैरेटिव शायद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ला पाए या 2015 में नीतीश कुमार ला पाए, कि केंद्र स्तर पर कोई एक ऐसा नैरेटिव बने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ जिससे चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाए। तो वर्तमान समय में आपको क्या लगता है कि इसकी कोई संभावना है? देखिए, होता ये है जब ये विपक्षी एकता की बात करते हैं तो हमारे सामने दो मॉडल होते हैं। एक मॉडल होता है 1967 का और दूसरा मॉडल होता है 1977 का। 1967 में गैर भाजपा दल सब एक हो गए थे, जनसंघ भी थी, समाजवादी दल भी था उसके अंदर, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, और कांग्रेस से छूटे हुए हिस्से भी थे, वो सब एक हो गए थे। और 1977 में कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़कर बाकी सारे गैर कांग्रेस दल एक मंच पर आ गए थे और भारतीय जनता पार्टी बनी थी और जनता दल जनता पार्टी बनी थी। मेरा मानना यह है कि आज राजनीति इतनी ज्यादा बदल चुकी है कि अब ना तो 67 का मॉडल काम आएगा और ना 77 का मॉडल काम आएगा। अगर विपक्ष की एकता बनानी है तो एक नए मॉडल की रचना करनी पड़ेगी, और उस नए मॉडल की तलाश सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर कर रही हैं। अब सवाल यह है कि हर राजनीतिक बड़ी राजनीतिक घटना को कोई ना कोई अनुकूल क्षण मिलना चाहिए, कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट मिलना चाहिए। मैं मानता हूं कि अभी तक विपक्षी दलों को कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं मिला है, कोई ऐसी घटना नहीं मिली है जिसके प्रभाव में आकर वो सब एकजुट हो जाने के लिए मजबूर हो जाए। अदाणी वाला मसला था, वो एक ट्रिगर पॉइंट था, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ने बहुत लंबा खींच दिया, तो अब वो धीरे धीरे करके ट्रिगर पॉइंट की हैसियत खोता जा रहा है। अब उन्हें दूसरा ट्रिगर पॉइंट मिला है, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी। देखिए, कांग्रेस के लोगों से, जब कांग्रेस के नेताओं से जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर रहा था, उस वक्त की परिस्थिति दूसरी थी। आज केवल किसी आम आदमी पार्टी की नेता को बुला के पूछताछ नहीं हो रही है, बल्कि पहली नजर में ही साफ लगता है कि दिल्ली की सरकार को पूरी तरीके से बर्बाद करने की रणनीति, बर्बाद करने का खेल खेला जा रहा है। यानी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को आपने जेल में डाल रखा है, फिर दिल्ली के शिक्षा मंत्री को आप जेल में डाल दिया, और भारतीय जनता पार्टी के लोग खुले रूप से कहते हैं कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री की बारी है। सभी लोग जानते हैं कि भाजपा दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकती। चुनाव तो वो पिछले विधानसभा चुनाव तो पिछले 25 साल से एक भी बार नहीं जीती है, लेकिन किसी से भी आप पूछ लीजिए वो यही कहेगा, नहीं, आम आदमी पार्टी ही जीत जाएगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती, ज्यादा भाजपा हो सकता कुछ सीटें बढ़ा ले, लेकिन चुनाव में आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकती। तो एक ऐसी पार्टी जिसे आप चुनाव में नहीं हरा सकते, उसे हराने के लिए जो स्थानीय नेता है वो स्पष्ट रूप से इस बात को कह ही रहे हैं, मतलब कोई उनको कोई दुराव छिपाव नहीं है उनके 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 मन में, कोई वो अपनी बात को छिपा नहीं रहे हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम भले ही चुनाव में
उनकी बात का आशय यही है कि हम भले ही चुनाव ना जीत पा रहे हो, लेकिन हम आपको कानून के साथ, कानून का जिसे लॉ का वेपनाइजेशन कहते हैं, कानून को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके और केंद्रीय संस्थाओं को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके हम आपकी पार्टी को ही बर्बाद कर देंगे, आप हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने लायक रहेंगे ही नहीं, कोई मैदान में नहीं रहेगा। कांग्रेस को आपने बर्बाद कर दिया, कांग्रेस को आपने पूरी तरीके से शून्य कर दिया, और आपको हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, उसके बाद केवल हम ही रह जाएंगे, हम ही भारतीय जनता पार्टी, हम ही भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली के ऊपर शासन करेगी। तो ये नजारा विपक्ष के बहुत से दलों को दिखाई पड़ रहा है, कांग्रेस को नहीं दिखाई पड़ रहा है, इस पर मुझे आश्चर्य है, क्योंकि ये एक पैटर्न है। ये तो एक अजीब सी बात है ना कि हम पहले गिरफ्तार कर लेंगे उसके बाद फिर हम आपके खिलाफ सबूत ढूंढेंगे। जब तक निचली अदालतों से आपको जमानत मिलेगी, जब तक निचली अदालतों की लंबी प्रक्रिया से आप गुजरेंगे, तब तक काफी दिन तक आप जेल में रह चुकेंगे। फिर कोई भी सरकार एक नीति बनाती है और उस नीति के ऊपर बयान विपक्ष हमेशा उन नीतियों की आलोचना करता है, तरह तरह के आरोप लगाता है, तो किसी भी नीति के खिलाफ संदेह के आधार पर मुकदमा दायर किया जा सकता है, और उस मुकदमे के आधार पर राज्यपाल तो सारे केंद्र सरकार के हैं, उपराज्यपाल भी सारे केंद्र सरकार के हैं, उनसे उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की और उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई करने की इजाजत ली जा सकती है। दिल्ली में तो ये और भी ज्यादा आसान है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली के गवर्नर जो हैं वो दावा करते हैं बार बार कि मैं दिल्ली का प्रशासक हूं। तो दूसरे राज्यों में राजभवन एक समांतर सरकार चला रहे हैं और दिल्ली में तो पूरी तरीके से राज्यपाल ने दिल्ली सरकार को चलना दूभर कर दिया है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है जो विपक्ष के बहुत से नेताओं को दिखाई पड़ रही है कि अगर दिल्ली में भाजपा का ये प्रयोग सफल हो जाता है तो फिर वो इस प्रयोग को देश के दूसरे हिस्सों में भी दोहराएंगे, वो बिना सरकार गिराए हुए सरकार का चलना मुश्किल कर देंगे, जो कि पहले से ही वो इस वक्त कर रहे हैं, और उसके बाद वो सरकार के प्रमुख कारकुनों को एक एक करके जेल भेजना शुरू करेंगे, और उस प्रक्रिया में होगा ये कि वो पार्टी पूरी तरीके से बेबस हो जाएगी। तो विपक्ष को बेबसी के आलम में धकेल देने की ये जो एक सुचिंतित नीति, एक एक, एक एक चतुराई से बनाई हुई नीति है, इसको सब लोग समझ रहे हैं, ये एक ट्रिगर पॉइंट विपक्ष के लिए बन सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी एक ट्रिगर पॉइंट बन सकती है जिसके इर्द गिर्द विपक्ष अपनी एकता कर सकता है। कांग्रेस इस मामले में एक तरह के अंतर्विरोध की शिकार है, कांग्रेस के अंदर इस मामले में दो मत हैं। कांग्रेस की तरफ से, जयराम रमेश की तरफ से एक ट्वीट भी आया था जिसमें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पे उन्होंने उसकी एक तरह से निंदात्मक ट्वीट किया था, लेकिन कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं, दिल्ली के नेता हैं, वो लगातार अड़कर ये बात कहते रहे कि वो भी मनीष सिसोदिया के खिलाफ शिकायत करने वालों में से एक हैं और वो उनकी गिरफ्तारी का स्वागत करते हैं। तो कांग्रेस के आला कमान में इस सवाल को लेके एक हिचक है। धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि कांग्रेस की भी समझ में आएगा कि जैसा वो कर रही है उसमें अंततः बाद में उसे आम आदमी पार्टी के इस मसले में पक्ष में, आप आम आदमी पार्टी की और तमाम आलोचनाएं कीजिए, उसके खिलाफ संघर्ष कीजिए, लेकिन आप देखिए ना, एक पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, और मसला इस कुछ इस किस्म का है कि जो एक भारतीय जनता पार्टी का के विधायक हैं, जिनके जिसके पास करोड़ रुपया बरामद हुआ है और नकदी बरामद हुई है, उनके खिलाफ क्या किस तरह की कार्रवाई हुई, मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, उसकी अगर आप तुलना उस विधायक के खिलाफ कार्रवाई से करें तो बिल्कुल साफ साफ फर्क नजर आता है कि कहां क्या हो रहा है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में विपक्ष के कई नेता सोच रहे हैं, और जो विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा है उस पत्र के पीछे यही भावना काम कर रही है। एक और चीज है जो कि पहले सवाल से जाकर जुड़ती है कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के अजय दिखने की बात करते हैं तो उसके साथ साथ उनके संगठन की जो भूमिका है वो तो है ही, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, संस्थाओं को तहस नहस किया है, उसकी भी बड़ी भूमिका है। और मुझे लगता है कि एक और ऐसा मामला था जो विपक्षी दलों के पूरे चरित्र को ही या उनकी आर्थिक मामलों में जो उनकी इंटीग्रिटी होती है उसको तहस नहस करने की कोशिश की गई थी हवाला मामले में। कुछ पुस्तकों में मैंने ये पढ़ा है कि 70 के दशक में विपक्षी नेताओं को CIA का एजेंट घोषित करने का चलन हो गया था, और ये जो आज के दौर में हो रहा है वो उसका एक बड़ा रूप है। तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार
विपक्ष के समस्त नेताओं की छवि को इतना तार तार करने में सफल हो जाएगी कि उसके लिए यह कहना बड़ा आसान होगा कि अगर कोई ईमानदार है तो वो हम हैं और बाकी सारे जो हमारे शासन का मॉडल है उसे आप देखिए और बार बार हमें ही चुनिए। ये तो भाजपा की पुरानी कोशिश है। भाजपा लगातार विपक्ष को भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं के तौर पर, भ्रष्टाचार करने वाली मंडली के तौर पर चित्रित कर रही है। ये केवल अभी 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 की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी या उससे कुछ पहले से ये बात हुई हो। ये तो लंबे अरसे चल रहा है। वो खुलेआम कहते हैं कि कांग्रेस का जो आला कमान है वो सब जमानत पर छूटा हुआ है और बिहार में लालू यादव और वो लोग तो हैं। देखिए, एक तरफ तो वो आरोप लगाते हैं कि सब परिवारवादी है और परिवार के लिए पैसा जमा करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। फिर कहते हैं कि इन सब लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं कानूनी शिकंजा है। ये लोग सब कानून से बचने के लिए छटपटा रहे हैं, इसीलिए ये आपस में गैंगअप होते हैं हमारे खिलाफ। तो ये तो उनका पुराना कहना है और वो लगातार इसके ऊपर जोर भी देते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार चल रही है और जब वो मानते ही ऐसा है कि जनता जब हमें उनके मुकाबले इस तरह करके देखेगी तो हमारी तमाम कमियों के कारण हमें प्राथमिकता देगी, इनको प्राथमिकता नहीं देगी। दूसरा सवाल है कि कांग्रेस भी अपने जमाने में ऐसा करती थी, कांग्रेस भी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती थी, कांग्रेस के ऊपर भी आरोप थे कि उसने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया है। लेकिन आप देखिए कि भाजपा ने इस पूरी प्रक्रिया को किस स्तर तक पहुंचा दिया है। कांग्रेस जो काम कभी कभी और एक तरह के कारनीतिक हथकंडे के तौर पर करती थी राजनीतिक लाभ लेने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपनी एक दीर्घकालीन रणनीति के तौर पर विकसित कर लिया है और वो मुतबातिर उसके ऊपर लगातार कह रही है। कांग्रेस की स्थिति ये थी कि ये सब जब विपक्ष की सरकारें गिराती थी एक संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग करके या विपक्ष की राजनीति को अस्थिर करती थी और कोई दूसरे कदम भी उठाती थी या क्षेत्रीय दलों को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, तो उस पूरी प्रक्रिया में आप देखिए कि कांग्रेस की साख लगातार गिर रही थी सार्वजनिक जीवन में और कांग्रेस के समर्थन आधार से कई समुदाय धीरे धीरे करके उसी दौरान बाहर जा रहे थे। भाजपा के जमाने में उसकी साख नहीं गिर रही है, जनता के साथ उसके संबंध नहीं खराब हो रहे और बजाय इसके कि उसके जनाधार से तमाम राजनीतिक समुदाय अलग हटे, नए नए राजनीतिक समुदाय धीरे धीरे करके उसके प्रयासों से भाजपा के साथ जुड़ गए। भाजपा को एक और लाभ है जो अन्य दलों को लाभ नहीं है, कांग्रेस को भी वो लाभ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा हुआ है। और ये जो एक दुनाली एक एक जो एक एक, एक ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा कवच है जो सामने आकर रक्षा करने की बजाय पीछे रहकर भाजपा की रक्षा करता है और भाजपा की अगर कोई कमी होती है तो वो उस कमी की पूर्ति करता है। और नरेंद्र मोदी को बिना किसी दिक्कत के ये लचीलापन अपनाने की इजाजत भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दे रखी है। यानी पहले जो कल्पना भी नहीं हम करते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में इस तरह के लोग भाजपा में आएंगे और बड़े बड़े पदों पर पहुंचेंगे, तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो अर्थनीति थी उसी के खिलाफ उस वक्त के तत्कालीन सरसंघ चालक उसके खिलाफ आपत्तियां करते थे और संघ के कई मोर्चा संगठन थे, इसमें भारतीय किसान संघ था और स्वदेशी जागरण मंच था, ये सब लोग भाजपा की तत्कालीन गठजोड़ सरकार के खिलाफ कभी कभी मोर्चा भी खोलते थे और उसकी आलोचना भी करते थे। लेकिन यहाँ बिल्कुल दूसरा नजारा नजर आता है। नरेंद्र मोदी की शख्सियत और वोट बटोरने की उनकी जो क्षमता है उस क्षमता के सामने मुझे लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बिल्कुल तय कर लिया है कि वो नरेंद्र मोदी के कामकाज में और उसकी उनकी राजनीति में संगठन खड़ा करने की पार्टी बिल्डिंग की उनकी जो रणनीति है उसमें कोई विघ्न नहीं डालेंगे और उसको उनको जो मन में आया वो करने देंगे। और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी बार बार ये साबित करने में कामयाब होते रहेंगे कि उनमें वोट बटोरने की क्षमता है। जिस दिन उनकी ये क्षमता कमजोर होगी उस दिन उनके ऊपर जो सवालों की बौछार होगी उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सवाल होंगे, उसमें भाजपा के उन नेताओं के भी सवाल होंगे जो कहीं ना कहीं अंदर से नरेंद्र मोदी के साथ में एक प्रतियोगिता महसूस करते हैं। विपक्ष तो उनसे ही सवाल पूछे गई कि जिस दिन उनकी वोट बटोरने की क्षमता कमजोर होगी उस दिन उन्हें इन तमाम सवालों का जवाब देना होगा और मेरे ख्याल से वो क्षण नरेंद्र मोदी और उनकी मंडली के लिए एक बहुत ही मुश्किल तलब क्षण होगा। जी,
तो आज की इस पूरी बातचीत में जो बात उभर कर सामने आई वह यही है कि नरेंद्र मोदी की जो मजबूती है, नरेंद्र मोदी सरकार की जो मजबूती है, वह उनकी सांगठनिक क्षमता, संस्थाओं के दुरुपयोग करने की में महारत हासिल करना और संघ का समर्थन से जुड़ी हुई है। लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो जब तक एक नहीं होते हैं और एक साझा कार्यक्रम के साथ एक साथ नहीं आते हैं तब तक वो इसी बिखराव के शिकार रहेंगे। और अभय जी ने इस ओर इशारा किया कि शायद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट बन सकती है जो विपक्षी दलों को एक मंच पर ले आए, क्योंकि विपक्षी दलों को जिसमें कांग्रेस भी शामिल है उनको धीरे धीरे यह एहसास करना होगा कि आज अगर एक दल की बारी है तो धीरे धीरे यही प्रक्रिया दूसरे दलों और दूसरे नेताओं तक पहुंच सकती है। तो राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आज हमने इस पूरे मसले पर चर्चा की कि भारतीय जनता पार्टी क्या अजेय है और विपक्षी दलों के सामने क्या विकल्प हैं। अगले अंक में हम मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे।